हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे YouTube चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं NTA नेट दिसंबर 2019 के पार्ट टू आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कल मैं पार्ट वन ऐड कर दी थी, वो भी हिंदी में। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए हैं तो चेक कीजिए। और आज फिर से मैं हिंदी में पार्ट टू ऐड कर रही हूँ, जिसमें से मैं 25 तक कल हो चुका था, तो 26 टू 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो 26 नंबर से देखेंगे, और ये पेपर आप लोग को जैसा कि मालूम ही होगा कि दिसंबर 2019 का विजुअल आर्ट का है, विजुअल आर्ट का है, ठीक है। तो विजुअल आर्ट के लिए बहुत ही लाभकारी करेगा। और पेपर मैं इंग्लिश में भी डाल दी हूँ, जिसे हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है वो इंग्लिश में चेकआउट कर सकते हैं। 26 नंबर, वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था, ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग, मतलब ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग के बारे में किसने लिखा था, यही बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, होकुसाई। होकुसाई एक साथ होगा, स्पेस नहीं था इसलिए अलग लिखी हूँ। होकुसाई 4 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, जैसा कि देख रहे हैं मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का नागजी पटेल। इस एक तरफ आप लोग के आर्टिस्ट के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके वर्क के नाम दिए हुए हैं। तो नागजी पटेल का हो जाएगा बनियन गेटवे। जी रविंदर रेड्डी, इसका हो जाएगा द गर्ल विद फ्लावर, पुष्पमाला एन हो जाएगा एंड देन व्हाट हैपेंड, और एन एन रिमजो हो जाएगा मैन इन ए चौक आर्कल एरकल। ये सब चीज़ इंग्लिश में पढ़ने में मुझे ज़्यादा सुविधा होती है रादर देन हिंदी में। तो इसका आंसर हो गया 27 का 4 नंबर, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट जो हैं उनके तो काम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो वो लिखा सही से रहता है और वो प्रोनाउंसिएशन करने में भी सहूलियत होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेजो टिंट और ड्राई पॉइंट में साझा घटक है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मृदुता। 28 का 2 होगा राइट आंसर, मृदुता। ट्वेंटी नाइन नंबर है, रेजिंस प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रयोजनार्थ धातु मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ए बी और सी सही है, यानी कि अतिरिक्त मजबूती और कठोरता प्राप्त करने के उद्देश्य से, बी रंग अथवा प्रकटन में बदलाव करने के लिए, और सी क्षरण का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए प्रयोजनार्थ धातु मिश्रण के लिए उपयुक्त होती है। किसमें? रेजिन प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 30 का 3 नंबर, ए सी और डी से, यानी कि कंकाली टीला मथुरा संघोल और पेशावर सही हो जाएगा। कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल है। 31 नंबर देख लेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कला आंदोलनों की अवधि के अनुसार उनके सही क्रम का चयन करें। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि बी सी
बी ए सबसे पहले आएगा डी मैनरिज्म, मैनरिज्म के बाद बड़ोक, बड़ोक के बाद यथार्थवाद और फिर संरचनावाद, मतलब नीचे से ऊपर कर दीजिए और ये क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस में हो जाएगा। 32 नंबर है यंत्र प्रमाणी गौज निम्नलिखित में से क्या है, कास्ट के उत्कीर्णन के लिए अर्ध गोलाकार छेनी, राइट आंसर 2 नंबर। 33 सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, इसमें भी वही है, एक तरफ आर्टिस्ट के नाम है और वो आर्टिस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं उनको मैच करना है। स्टेनली विलियम हैटर जो कि ब्रिटिश प्रिंट मेकर हैं, 1 का 3, रेम्ब्रा जो कि डच प्रिंट मेकर हैं, एल्ब्रेट ड्यूरर जो कि जर्मन प्रिंट मेकर हैं और फ्रांसिस्को गोया जो कि स्पेनिश प्रिंट मेकर हैं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 34 है सोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं, तो सोमनाथ होर छापाकार को लेके जाने जाते हैं, चित्रकार और मूर्तिकार, ये तीनों ही सही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस था। तो 34 का 2 नंबर सही आंसर है, ए सी और डी सही है। नेक्स्ट 35 नंबर देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कलाकृति ब्लू सर्कस किसने चित्रित की है, ब्लू सर्कस मार्क छागल का है, ब्लू सर्कस मार्क छागल का है, 4 नंबर। नेक्स्ट है 36 नंबर, निम्नांकित में से किसने कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाया, स्टेनली हेटर, फॉरन का बात हो रहा है इसीलिए स्टेनली हेटर, अगर यहाँ पे स्टेनली हेटर नहीं होता तो फिर आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाता कृष्णा रेड्डी जो कि विस्कोसिटी के लिए बहुत ही फेमस है। 37 नंबर, क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस टू मेक एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी ए बी सी डी करेक्ट सिक्वेंस। सबसे पहले मार्केट रिसर्च आएगा, फिर क्रिएटिव स्ट्रेटजी आएगा, उसके बाद प्रोडक्शन आएगा, उसके बाद फीडबैक ऑफ कंज्यूमर आएगा, मतलब जैसे रखा हुआ है उसे ऐसे ही रख दीजिए। तो इसका आंसर हो गया 4 नंबर 37 का। 38 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा तत्व छापा चित्रण से संबंधित है, एक्वा टिंट, 2 नंबर। 39 बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इन विष्णु आइकोनोग्राफी गदा इज रिप्रेजेंटेड एज फीमेल कंपेनियन, रिपीटेड क्वेश्चन है, 39 का 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, जूम करने में यही प्रॉब्लम कभी कभी होती है। 40 नंबर है, उत्कीर्णन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कास्ट को अधिक पसंद किया जाता है जिसमें तेल की मात्रा अधिक हो, यानी कि 40 का 3 नंबर। 41 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन दादावाद, दादा इजम इज द राइट आंसर, 41 का 2। क्वेश्चन नंबर 42, फोर्टी टू नंबर क्वेश्चन है,
ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट वेट, ग्रुप ए के संस्थापक सदस्य कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको दोनों ही सही माना गया है, दो नंबर भी, सॉरी 42 था ना, ये क्वेश्चन 42 था, इतना प्रॉब्लम, 42 था ना, 42 का राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर, बी डी बी और ए सही, यानी कि जगमोहन चोपड़ा, जगदीश दे और रतन, ऐसे कैसे हो गया, जस्ट ए सेकेंड, इस क्वेश्चन को छोटा करके दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर दो को सही माना गया है, ठीक है, दो क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए ये जो 42 नंबर क्वेश्चन है इसमें इतना प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि इसका मुझे ऑप्शंस भी आप लोग को दिखाना था और इसका राइट आंसर है 42 का चार नंबर, डी बी और ए सही है, बट रतन पारिमुख ग्रुप 8 के सदस्य थे, जगमोहन चोपड़ा थे और जगदीश थे, तो इसका राइट आंसर होगा चार नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, फोर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन छापाकार है? इसका सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि इसका दो और चार दोनों ही सही माना गया क्योंकि यहाँ पे भी ए और बी आप देख रहे हैं और यहाँ पे भी ए और बी देख रहे हैं, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो सनत्कर और लक्ष्मा गौर जो हैं छापाकार थे, जोगन चौधरी छापाकार नहीं है और आर शिव कुमार भी छापाकार नहीं है, आर्ट हिस्टोरियन है और आर्ट क्रिटिसिज्म ये सब हैं, और जोगन चौधरी तो आप लोग को मालूम होगा ही कि ये पेंटर हैं, ठीक है, तो छापाकार कौन कौन हो गए, सनत्कर और लक्ष्मा गौर, और इसका राइट आंसर दो भी है और चार भी है, यानी कि दो भी है सही और चार भी है सही। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो 44 का राइट आंसर होगा दो नंबर, डॉक्टर ग्रेस मोरले जो थे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ दी कलर्स, इसका आंसर हो जाएगा दो नंबर, यानी कि सबसे पहले सियान आएगा, तब जाके मैजेंटा और उसके बाद बी यानी कि येलो एंड देन डी ब्लैक। देखिए इसका हम ऐसे बता देते हैं, सी एम वाई के इसे याद रखिएगा, सी एम वाई के याद रखिएगा, हो जाएगा सियान, एम से मैजेंटा, वाई से येलो और के का मतलब यहाँ पे आप लोग का ब्लैक होता है, सब कुछ सेम रहता है बट के को रिप्लेस करके ब्लैक होता है, ठीक है, इससे सियान हो जाएगा, एम से मैजेंटा हो जाएगा और वाई से येल्लो होगा, तो सी एम वाई के ट्रिक से इसे याद रखिएगा और ये हमेशा पूछे जाते हैं नेट में क्रोनोलॉजी स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग का 46 नंबर है, आर जी कॉलिंग वुड निम्नलिखित में से क्या थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये कला इतिहासकार थे और ब्रिटिश दार्शनिक थे, अब देख लीजिए बी और सी किस में है, इसमें है, यानी कि आप लोग का 46 का सही आंसर हो जाएगा, 46 का सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर, 46 का तीन नंबर। 47 नंबर हैं, किस प्रकार के निरूपण में सब्जेक्ट के गुणों की अतिरंजना
की जाती है? 4 नंबर, व्यंग चित्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेंगे। वुड्स कला श्रृंखला किसकी है? बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछा गया है। वुड कला श्रृंखला सोमनाथ होड़े की है, और ध्यान रखिएगा कि ये उंड से जो घाव को लेके इन्होंने सोमनाथ होड़े ने पेपर मैसे में ये सब में काम किए थे। अगर वुड्स पे पूछा जाता कि वुड्स को एचिंग को लेके किसने काम किया है, एचिंग वुड्स को लेके, तब आपका सनतकर होता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है वुड्स कला श्रृंखला जो कि सोमनाथ होड़े के काम का टाइटल है, तो ये आंसर होगा 2 नंबर, सोमनाथ होड़े। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्टोरी बोर्ड इज रिलेटेड टू, तो स्टोरी बोर्ड इज रिलेटेड टू ये क्वेश्चन ही गलत है। इसके 2 मार्क्स फ्री में सभी बच्चे को मिलने वाले हैं जो पेपर में इसके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए होंगे, फ्री में सभी को मार्क्स मिलेंगे जिसने अटेंड किया होगा क्वेश्चंस को। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, 50 नंबर, कल मैं 51 से आप लोग को करवाऊंगी। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, रोदानिनी पिएता नामक मूर्ति किसने बनाया? आंख बंद करके मिकल एंजेलो को लगा दीजिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप लोग को बोलना चाहूंगी कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज हमने आप लोग को यहाँ 26 से 50 क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं, और कल हम आप लोग को 51 से 75 तक करवाएंगे पार्ट 3 में। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए चैनल को टैप कर लें, बेल आइकन को भी टैप कर लें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।